स्टार्ट हो जाए। सभी चयनित व्याख्याता भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं श्रीराम सैनी अपना कोई परिचय नहीं देना चाहता। भाइयों बिल्कुल दुखी हो चुका हूँ, हर प्रकार से दुखी हो चुका हूँ। बीकानेर आया हूँ, अकेला आया हूँ, अकेला ही लड़ूंगा इस लड़ाई को। किसी भी भाई को हाथ जोड़ के भी अब निवेदन मैं नहीं कर रहा। माफ़ी चाहता हूँ आप सभी लोगों से, जिससे मैंने ये कहा कि मेरे अकाउंट में या के सर के अकाउंट में पैसा भेज दो। भाइयों यार दुखी हो चुका हूँ, पैसा कोई मत भेजना। क्लियर कट शब्दों में कह रहा हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मेरे पास 100 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 1,000, 2,000, 10,000 जितने भी हैं बहुत है, सफिशियंट है। अकेला लड़ सकता हूँ, लड़ लूँगा। आपको ये लग रहा है भाइयों कि मैं उतावला हो रहा हूँ? बिल्कुल भाई उतावला ही हो रहा हूँ। क्यों हो रहा हूँ उतावला? क्योंकि मेरी, मैं जानता हूँ यार किस स्थिति में मैं निकल रहा हूँ। मैं किसी को कोई ज्ञान नहीं देना चाहता। जिसको जो ठीक लगता है, आपके जो विचार है आपके हिसाब से करो, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई भाई मेरा साथ दे ना दे, अच्छी बात है, दे तो। आज मैं बीकानेर आया, सुबह बीकानेर आया हूँ 5 बजे। ठंड में मुझे पता है किस तरीके से यहाँ पे मेरे को धर्मशाला भी यहाँ पे नहीं, मतलब रो रो के मिली है। उसके बाद में मैंने बीकानेर के सभी भाइयों से निवेदन किया, परसों से मैं कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कोई बीकानेर के भाई ने आगे तक फ़ोन नहीं किया। और फिर आज जाके मुझे इन्होंने बोला कि आप खुद ही अकेले रणनीति बना रहे हो, अपने हिसाब से चल रहे हो, आपकी मर्जी है जो कर रहे हो, हमें पूछा तक भी नहीं। भाइयों मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ आप सभी से, मुझे माफ़ कर दो। मैं कोई नेतागिरी नहीं कर रहा। आपको जो ठीक लगता है यार वो करो यार, मेरे से जो होता है वो मैं कर रहा हूँ। आपको साथ देना है दो, नहीं देना है मत दो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा, मेरी जितनी बस की बात होगी, जितना मेरे अंदर धैर्य होगा उतना तो मैं काम करूँगा ही। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, पीछे नहीं हटूँगा, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए। सचिन जी का मेरे पास में फ़ोन आया, सचिन जी आज मेरा देखो सहयोग देने के लिए सुबह तैयार हो गए। सचिन जी से मैं पिछले 4 दिनों से कोशिश कर रहा था कि भाई मेरा साथ दे दो यार, आज सचिन जी बिल्कुल मेरे साथ खड़े हैं, अमित जी मेरे साथ खड़े हैं। इसके बाद जो यूट्यूबर के जी सर हैं वो भी मेरे साथ खड़े हैं। दोस्तों आप सभी को ये लग रहा है कि के सर अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उनके अकाउंट नंबर क्यों दे दिए, उनका मोबाइल नंबर क्यों दे दिया है? भाइयों जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो, आपके अंदर सब में दिमाग है। पैसा देना है दो, नहीं देना है मत दो यार। मेरे ऊपर मत डाल देना कि राम सैनी के कहने के ऊपर आपने पैसा डाल दिया। यार सभी में दिमाग है, सभी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखो भाइयों मैं फिर आपको बता देता हूँ, कोई भी भाई जो आपको ये बोलना चाह रहा है कि निश्चिंत रहो, ज्वाइनिंग आपको समय पर मिल जाएगी, सरकार अपना काम कर रही है और विभाग अपना काम कर रहा है, मैं एक उसकी बात भाई, उस भाई की बात से बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। बिल्कुल हो रहा होगा, होनी चाहिए, अच्छी बात है, मैं खुश हूँ। लेकिन मैं मेरी बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं कर रहा। हाथ पर हाथ धर के बैठना नहीं चाहता, कतई नहीं चाहूँगा, कुछ भी हो जाए कुछ भी, लेकिन मैं यहाँ पर डटा रहूँगा। चाहे मुझे यहाँ पर सड़क पर सोना पड़ जाए सोऊँगा, भावनाओं में बह के बात नहीं कर रहा। उपेन यादव सर साथ होते हैं अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो भी कोई बात नहीं है। इसी प्रकार से मेरे और भी कोई नेता भाई कोई आए नहीं आए, मुझे मेरे हक की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मुझे लड़नी है। कोई भाई आएगा तो मैं ये मानूंगा कि मेरे साथ है, नहीं आएगा तो भी ये नहीं मानूंगा कि ये मेरा दुश्मन है। कभी भी बीकानेर के काशीराम जी हो, चाहे मनीष जी हो, चाहे कोई भी हो, मैं सभी को एक संदेश देना चाहता हूँ। आप मालिक आदमी है, हाथ जोड़कर पैरों में गिरकर माफ़ी मांगता हूँ, पैरों में गिरकर माफ़ी मांगता हूँ कि देखो ये मेरे सारे पीटीआई भाई साथ है भाई, ये सारे पीटीआई के जो धरना दे रहे हैं 45-46 दिनों से, ये मेरे भाई देखो इन्होंने मुझे शरण दी, इन्होंने मुझे शरण दी है कि राम जी आप टेंशन मत लो, हमारे साथ इस धरना स्थल पर यहाँ के बैठ जाओ यार, एक बोर्ड आपका भी टाक देंगे। परमिशन, लीगल परमिशन क्या होती है, आप अगर आप में थोड़ा सा भी जुनून है ना तो सब कुछ पॉसिबल है, असंभव कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा भी सरकार पर बनाया हुआ दबाव, थोड़ा सा भी बिल्कुल आपको सक्सेसफुल बना के रहेगा। और अगर आप ढीले पड़ते हो तो विभाग से बड़ा ढीला कोई नहीं है, खुद अभ्यर्थी अगर ढीला है तो डिपार्टमेंट सरकार से ज़्यादा ढीला कोई नहीं है। मेरी माताओं बहनों से निवेदन है कि नारी शक्ति हर चीज़ में आगे आके बोलती है। दुनिया कहते हैं लेडीज़ को प्राथमिकता देंगे, आज वो मेरी माता बहनें कहाँ हैं जो मेरे साथ में नहीं है। वो कहती हैं कि हमारे घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हमें। मत आओ माता बहनों, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ आपको, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लड़ाई लड़नी है, मुझे नहीं लड़नी, मुझे लड़नी है मैं आ गया।
आपको लड़नी होगी, आप आओ, अच्छी बात है, नहीं आना मत आओ, घर पे रहना है, घर रहो। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा, किसी से पैसा नहीं मांग रहा एक भी रुपया। मेरे पास है 10,000 रुपया अकाउंट में, मेरे पास है और मैं लड़ लूँगा, सफिशियंट है, कमा भी लूँगा यहाँ पे, इतना भी गया इतना नहीं हूँ, और किसी की बुराई नहीं करूँगा। सब मेरे सम्मानीय शिक्षक लोग, जितने भी चयनित व्याख्याता भाई है, सब मेरे भाई हैं, किसी की बुराई नहीं करने वाला, कोई नेतागिरी नहीं कर रहा आगे तक के लिए, भविष्य में कह रहा हूँ इस बात को लेके, मैं आगे के लिए कोई नेतागिरी नहीं करूँगा, किसी पत्ते नहीं जाऊँगा, माँ कसम खा के कह रहा हूँ, माँ कसम खा के, सिर्फ और सिर्फ मुझे नियुक्ति चाहिए और मेरा कोई मकसद नहीं है। हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है, अगर मेरी प्लानिंग में, रणनीति में किसी प्रकार की कोई कमी है तो भाइयों आप साथ आओ ना यार, अकेले का दिमाग काम कर रहा है, 10 लोगों का दिमाग काम करेगा, आपकी रणनीति के हिसाब से चल लूँगा, मुझे कहाँ दिक्कत है। पर बजाय चैटिंग चैटिंग बातें भाषणबाजी, इससे क्या होगा। अरे मैं अकेला बैठा हूँ यहाँ बीकानेर में और बैठा रहूँगा, कोई मुझे कहता है कि मैं गलत हूँ, मैं गलत सही, तो आप सही हैं सर, आप आगे आ जाओ, मैं घर चला जाता हूँ, पर मेरे हक की लड़ाई मुझे लड़ने दो। अगर मेरे द्वारा बनाया हुआ ये दबाव थोड़ा सा भी सरकार पे काम आता है तो भाइयों कहाँ नुकसान है। अगर मैं धरने पे बैठता हूँ 28 तारीख को, तो नुकसान तो कुछ नहीं होना ना, जो होगा जो फायदा ही होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा भाई। सरकार अपन को, ये विभाग अपन को समय पर जॉइनिंग देने जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इनकेस अगर हमारा कोई मैटर किसी भी फसाद में फंसता है, उलझता है, तो भाइयों ये मान लो दुख होगा यार कि साला कुछ किया नहीं यार। मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगा, नेगेटिव बोलना भी नहीं चाहता, लेकिन जो है आत्मा दुखती है यार। आज ये देखो भाई, इन्होंने मुझे रजाई बिस्तर दे दिया, खाने के लिए भोजन तक के लिए कह दिया कि सैनी जी आप बैठ जाओ हमारे साथ, एक भाई और सही हमारे साथ में, हम भी दुखी आप भी दुखी, अकेले सब लड़ेंगे यार। तो लास्ट में, आखिरी में सिर्फ और सिर्फ इतना कहूँगा कि अब देखो 28 तारीख जो हमने तय कर दी है, परमिशन हम सब लोग मिलके लेंगे, परमिशन भी मिल जाएगी, क्यों मान के चलो मिल गई, कुछ भी असंभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात, उपेन यादव जी अब हमारे साथ 28 तारीख को आ रहे हैं, आज ही उन्होंने घोषणा की है, 28 तारीख को उपेन यादव जी हमारे साथ होंगे, और ये मान के चलो जब तक हमारे साथ होंगे, जब तक हमारा कोई सकारात्मक हम निर्णय विभाग द्वारा सरकार द्वारा नहीं आ जाता, तब तक उपेन यादव जी हमारे साथ बिल्कुल डटे रहेंगे। दोस्तों मैं फिर उनसे कहना चाहूँगा, सभी भाइयों से, हमारे साथ जो पूरी मेरे पीछे टीम काम कर रही है, मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, लेकिन बीकानेर तो अकेला आया ही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे कुछ साथी हैं जो मेरे साथ पीछे से काम कर रहे हैं, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद दूंगा। और अब ये मान के चलो हक की लड़ाई आर पार की लड़ेंगे, और कभी भी बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना हमें दोस्तों, सभी लोग साथ में हैं, एक हैं, संगठित हैं, रहेंगे, बस इतना ही निवेदन करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।